thing about Alexiades, obviously, Grant has spoken about his long labor and his reach and the way he sets up at the crease, his hitting power, everyone knows. But the good thing about him, he can actually take the game deep as well. So if he sees that he needs to stay in for longer, he can adapt, and which is very good thing to have as a number three player, because he can take the team along with him. Well, speaking of explosive starts, he wasn't the only one who got an explosive start. It was also Sharjeel Khan, who's made a tremendous comeback into the side. Aroz Mumtaz spoke to Sharjeel Khan. मेरे साथ मौजूद है शर्जील खान, जिन्होंने कल एक जबरदस्त इनिंग्स खेली कराची किंग्स को जिताने में. शर्जील, बहुत मुबारक हो कल की विक्ट्री के बारे में. 38 रन्स, बाबर आजम जल्दी आउट हो गए, क्या फीलिंग्स थी उस वक्त? बिल्कुल, हम बड़ा लॉन्ग टारगेट हम चेस कर रहे थे, और पहले तो हमने यही सोचा था कि जाके एक मोमेंटम सेट करना है, एक पार्टनरशिप लगानी है, क्योंकि पार्टनरशिप जैसे ही गेम में लगती है तो आपको पता है कि ऑपोजिशन उससे थोड़ा सा प्रेशर में आती है. तो कोशिश यही थी. अनफॉर्चुनेटली बाबर रन आउट हो गया बगैर बॉल फेस किए, और बस फिर उसके बाद जब एलेक्स हेल्स आया था तो बस कोशिश यही थी कि हमने विकेट थ्रो नहीं करनी और पॉजिटिव होकर बॉल चूज करके ना अपनी, जैसे आपको बैटिंग करनी आती है वो अपनी बैटिंग कर रही है. शर्जील, एक ही पॉइंट का फर्क है पिशावर में और कराची में, और जो भी जीतेगा वो सेकंड नंबर पे चला जाएगा. कितना जरूरी है कल का मोमेंटम आज कैरी करना? बिल्कुल, बहुत जरूरी है. आपको पता है T20 छोटा सा फॉर्मेट है और इसमें कोई भी टीम छोटी बड़ी नहीं है, तो हमने कोशिश करनी है कि हम इसमें पूरा आज 100% दें, और बिल्कुल एक पॉइंट का फर्क है. कोशिश यही करेंगे कि इंशाल्लाह अपनी कल वाली चीजें याद करके और पॉजिटिव रहेंगे और पॉजिटिव क्रिकेट खेलें और एंजॉय करेंगे. शर्जील, एक सबसे जो एंटरटेनिंग सवाल होता है कि पिंडी कल जैम पैक स्टेडियम था, चार वेन्यूज पे PSL वापस आया, कितना मजा आ रहा है ऐसे क्राउड्स के सामने खेलना होम ग्राउंड पे? बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है. इससे पहले हम डोमेस्टिक खेलते थे तो इतना क्राउड नहीं होता था हमारे डोमेस्टिक मैचेस में, लेकिन जब PSL पाकिस्तान आई है इसकी भी एक बहुत खुशी है, और एक अपने क्राउड के सामने इन फ्रंट होके खेलना और इतनी सपोर्ट करना उन लोगों की, मैं बिल्कुल बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ क्राउड को. शर्जील, थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक फॉर टुडे. Yeah, Sharjeel Khan making a comeback. It's good to see that, you know, that we've seen a lot about how Karachi Kings is relying on Babar Azam. So it's good to see that the others have been chipping in from their side as well. Now, this isn't the first time that these two teams are meeting in the tournament. Peshawar Zalmi and Karachi Kings have met previously and Karachi Kings won that match. Let's have a look at the summary. It was Babar Azam leading all the way. He made a 78, of course, and Imad Wasim chipping in with a 50, making 201 for 4 in their 20 overs. And then Peshawar Zalmi, they were short. They made 191 for 7 with Livingston scoring a 54, winning in the end